हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब वीडियो के नीचे भी कमेंट आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि सर प्रैक्टिकल के बारे में कुछ बता दीजिए। तो बीएससी फर्स्ट ईयर, चाहे बायो से हों आप या मैथ से, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, तीनों का मैं डिटेल में आपको बता दूँ किस तरह से। जैसे जूलॉजी बॉटनी में स्पॉटिंग होती है, स्पॉटिंग कैसे होगी, स्लाइडें किस तरह से दिखाई जाएंगी, एग्जाम किस तरह का होगा प्रैक्टिकल का, कैसे कैसे आपको फाइल बनानी है, फाइल तो लगभग आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे, लेकिन किस तरह से स्पॉटिंग वगैरह होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। और वाइवा के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से वाइवा में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और असाइनमेंट के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है, आपने फाइल कंप्लीट कर ली होगी कहीं ना कहीं से। जिन्होंने नहीं कंप्लीट की है तो आपको मैं ऐसे ही और भी समझा दूं, बता दूं कि ये आपको दिख रहा होगा ये पेज, ठीक है। इस पेज में एक डायग्राम बना हुआ है जो कि बैटरेको स्पर्मम का है, रेड एल्गी, फ्रेश वाटर रेड एल्गी है। इसमें नीचे 6-7 कमेंट लिखे हुए हैं। तो जनरली आपको ऐसे ही डायग्राम एक बनाना है जिस जिस स्पीसीज का आपको बनाने को दिया गया हो, ठीक है। आपको एक सिलेबस मिला होगा प्रैक्टिकल एग्जाम का बॉटनी और जूलॉजी में, तो स्पीसीज का स्ट्रक्चर बनाइए और उसकी लेबलिंग कर दीजिए, नेमिंग। और क्या करना है आपको, 5 कमेंट लिखना है, मिनिमम 5 कमेंट होने चाहिए, 5 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। और वो कमेंट आपको याद होनी चाहिए, जो कमेंट आप उसमें लिखोगे स्पेसिमेन के नीचे, स्पीसीज के नीचे, उस कमेंट को याद करना है आपको, वो याद होनी जरूरी है। आई होप आप लोग इस तरह का डिसेक्शन बॉक्स एक जरूर खरीदे होंगे प्रैक्टिकल के लिए। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको यूज करने आपको आता ही होगा। मेनली आपको जो स्लाइड होगी वहाँ किस तरह से मिलेगी अभी मैं बता दे रहा हूँ। ये वॉच ग्लास है, इसमें आपको स्पेसिमेन दिया जाएगा। उस स्पेसिमेन को अगर प्रैक्टिकल आप लोग किए होंगे तो जानते ही हो, कुछ बच्चे नहीं किए हैं तो उनको बता दूं, ये वॉच ग्लास है एक, इसमें आपको स्पेसिमेन दिया जाएगा। आपको प्रोसेस आना चाहिए, अगर एल्गी दिया गया है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, एल्गी में टिश्यूज होते ही नहीं है, वो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जाइलम फ्लोएम, तो उसकी स्टेनिंग करनी नहीं पड़ती, सीधा ग्लिसरीन में, वो ग्लिसरीन से माउंट करके और क्या करते हैं उस स्पेसिमेन को निकाल कर इस तरह की स्लाइड होगी, ग्लास की, कांच की स्लाइड दी जाएगी। उस स्लाइड पे रखोगे और कवर स्लिप होती है पतली सी, इसके ऊपर जैसे कि जो वॉच ग्लास में आपको स्पेसिमेन मिला उसको आप अगर माउंट करना है, जैसे कि वो फंजाई है तो फंजाई को माउंट करोगे, स्टेनिंग करोगे, स्टेनिंग करने के बाद में क्या करोगे, स्लाइड पर रख के और कवर स्लिप से उसको कवर कर दोगे, फिर माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के देखोगे। तो ये प्रोसेस है आपका। फिर उसके बाद में ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व तभी करोगे जब सारी स्पीसीज आपको पहले से डायग्राम पता होंगे, वही तो डायग्राम देख के जान पाओगे। माइक्रोस्कोप में सेम उसे वैसे ही दिखेगा, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है लेकिन आप स्पीसीज समझ जाओगे अगर उससे पहले देखे हो। तो सबसे पहली बात, आपको अच्छे से सारी स्पीसीज का डायग्राम देख के जाना है, जितने भी स्पेसिमेन हैं, स्लाइड हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया स्लाइड वाली बात। उसके बाद स्पॉटिंग की बात आती है, अभी हम जूलॉजी और बॉटनी की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो स्लाइड जो आपने बनाया है, स्लाइड जो स्पेसिमेन आपको बनाने के लिए दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको एग्जामिनेशन में मिलने वाले हैं। मान लो आपको 10 स्पीसीज दी गई हैं स्लाइड में बनाने को, बॉटनी हो या जूलॉजी, तो उसी 10 में से कोई आपको एक या दो दिया जाएगा, ठीक है। और जो फाइल आप कंप्लीट करके लेके जाओगे वो मात्र 5 नंबर का होता है, ठीक है। फाइल का नंबर आपका 5 मार्क होगा बस, जितना अच्छे से बना के लेके जाओगे, अगर बढ़िया बनाए होगे, डायग्राम अच्छे से लिखे होगे, तो 5 के 5 मिल जाएंगे आपको, वरना 3-4 जैसे आप फाइल को अच्छे से बना के लेके जाओगे उस तरह से। और फाइल इस तरह से होता है, आप लोग बनाई होगे जूलॉजी और बॉटनी में, इस तरह से यूज करोगे। इसके ऊपर आपको कवर जरूर लगाना है, ठीक है, कवर लगा के, और वो नेम स्लिप जो आता है उसको चिपका के अपना नेम, रोल नंबर, जितनी भी चीज़ें, एनरोलमेंट नंबर जो भी चलता हो उसको लगाना है। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड है जो मैं बता रहा हूँ। और केमिस्ट्री की फाइल के लिए आप लोग इस तरह की बनाओगे, ठीक है, ये केमिस्ट्री की फाइल है, तो इसमें तो मान के इसको भी कवर जरूर करना है, बिना कवर के मत लेके जाना। और दूसरी बात,
बॉटनी में जैसे कि ब्लैंक पेज यूज़ होते हैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से पढ़ाऊँ तो मेरे यहाँ तो यही यूज हुआ था। और जो जूलॉजी में है वो लाइन वाला और ब्लैंक, एक लाइन वाला और एक ब्लैंक सादा पेज यूज होता है। तो फाइल पाँच नंबर का हो गया स्लाइड। जितनी आपको बनाने को स्पीसीज दी गई होंगी उसी सिलेबस से आपको कोई ना कोई वहाँ मिलने वाली है। करना क्या होगा, या तो स्लाइड बनी बनाई लगी होगी उसको बोलते हैं स्पोर्टिंग। स्पोर्टिंग का मतलब क्या होता है, देखो स्पोर्टिंग जो स्पोर्टिंग है इसमें आपको स्पीसीज को स्टेनिंग नहीं करना है। आपको स्लाइड पे स्टेन किया हुआ कवर स्लिप से ढका हुआ मिलेगा, बस उसको क्या करना है माइक्रोस्कोप में देखना है, ऑब्जर्व करके ये बताना है कि ये क्या है। और दो मिनट का टाइम रहेगा, दो मिनट में आपको एक स्पीसीज देख के और उसका डायग्राम बनाना है, उसको समझना है। मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये स्पोर्टिंग जो होती है, जो स्पीसीज दी गई है उसको मेजर करो, तुरंत देखो कि क्या स्पीसीज है, पहचानो और दो मिनट के अंदर ही उसका एक आपको पेपर दिया जाएगा, ठीक है, व्हाइट पेज, उस पर आप उसका डायग्राम बनाएंगे, सिस्टमेटिक पोजीशन जो उसकी होती है क्लासिफिकेशन लिखोगे, यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो गया तुम्हारा, ठीक है, उसका किंगडम लिखोगे, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज जो दी गई है उसको लिखोगे यहाँ पे, और क्या लिखोगे उसका यहाँ पे डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाओगे और नीचे उसके तीन चार पाँच कमेंट जो आपको ऑब्जर्व करके स्पीसीज मिली है उससे रिलेटेड डायग्राम दिखाओ, उसकी कमेंट लिखोगे। तो ये दो दो नंबर के साथ हो सकते हैं। तो अगर 10 नंबर का स्पोर्टिंग आपका होगा तो आपको पाँच स्लाइड दिखाई जाएंगी, पांच स्लाइड दिखाई जाएंगी, पांचों के लिए दो दो मिनट का समय होगा, मतलब टोटल 10 मिनट के होंगे, 10 नंबर आपको देंगे। और इस तरह से हो सकता है, या फिर ये जूलॉजी के लिए बता रहा हूँ। बॉटनी में मेनली क्या होता है, ऐसा भी स्पोर्टिंग कई तरह की होती है। स्पोर्टिंग में ऐसा भी हो सकता है आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कि आपको क्या किया जाए, स्लाइड माइक्रोस्कोप में लगा के फिर एनिमेशन दिखाया जाए, ठीक है, ऐसे बोर्ड हो उस पर एनिमेशन दिखाया जाएगा और दो मिनट का समय होगा, दो मिनट के लिए वो फोटो आएगा उस बोर्ड पे, आप लोग बैठ के बैठे होंगे सब लोग और सबको पेज मिलेगा, उसको देख के तुरंत दो मिनट के अंदर इतना ही काम करना है, क्लासिफिकेशन, डायग्राम और उसका कमेंट लिखना है, फिर दो मिनट बाद अपने आप हटा दी जाएगी स्लाइड और दूसरी स्लाइड लगा दी जाएगी। तो इस तरह से स्पोर्टिंग हो सकती है। स्लाइड हो गई, स्लाइड अगर पाँच नंबर का होगा, एक स्पीसीज को बनाना होगा तो पाँच नंबर का होगा, पाँच नंबर का तुम्हारा फाइल हो गया, पाँच नंबर की स्लाइड हो गई, स्लाइड में एक स्पीसीज आपको दी जाएगी, चाहे एल्गी हो चाहे फंजाई हो, ठीक है, उसमें से आपको स्टेनिंग करके उसको पहचानना है, उसके बारे में लिखना है। तो पाँच नंबर ये हो गए, पाँच ये 10 और 10 नंबर का स्पोर्टिंग हो गया। अब बात कर लेते हैं वाइवा की। तो वाइवा भी पाँच मार्क का होता है, ठीक है, पाँच नंबर का होगा वाइवा। वाइवा में आपसे क्या पूछा जाएगा, पहली बात जो आप फाइल बना के लेके गए हो, फाइल आपकी देखी जाएगी, उस फाइल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो स्पीसीज आपको बनाने को दी गई हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, और जो सिलेबस आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए हो उससे कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो वाइवा के लिए कुछ लिमिटेड नहीं है। अब मैं बता दूं आपको कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि जो बॉटनी का सिलेबस था उसमें फर्स्ट आप पढ़े थे माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और उसके बाद में एल्गी फिर फंजाई। तो एल्गी में जैसे कि ओसिलेटोरिया की बात करें, साइनोबैक्टीरिया आप पढ़े थे साइनोफाइसी एल्गी में, उसमें ओसिलेटोरिया एक होती है स्पीसीज। आपसे ये पूछ लेंगे हेटरोसिस्ट कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो आप तुरंत बताओगे जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं जैसे नोस्टोक, नोस्टोक में क्या पाया जाता है, हेटरोसिस्ट पाया जाता है। क्या काम करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फंजाई से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, जनरल क्वेश्चन, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, आपको पता ही होगा पेनिसिलिन थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो प्रथम प्रतिजैविक थी वो थी पेनिसिलिन। किससे प्राप्त होती है, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम एक स्पीसीज है पेनिसिलियम की, जिससे प्राप्त होता है पेनिसिलियम और पक्सिनिया, ये सब आपको बनाना भी हो शायद स्पोर्टिंग में। अब अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग है लेकिन प्रोसेस यही रहेगा, स्पीसीज भले ही आपको अलग अलग दी गई हो। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर और
वाइबा में तब तक आपसे पूछेंगे जब तक आप आंसर देते रहोगे। मान लो फर्स्ट पूछे आपसे, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, पहला क्वेश्चन आप बता नहीं पाए, तो बस वहीं से आपको आपसे फिर क्वेश्चन एक दो पूछेंगे, अगर नहीं बता पा रहे हो तो ठीक है, फिर अगला जो आपके बाद होगा इसका रोल नंबर उसको बुलाएंगे। अगर आप जवाब देते जा रहे हो तो आपसे पूछते रहेंगे एग्जामिनर, ठीक है, और कई सारे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर नंबर भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। अब इसमें जैसे पेनिसिलियम पूछे, बता दिया, कहाँ से प्राप्त होता वो भी बता दिए, तो आपसे पूछ लेंगे इसको किसने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, तो आपको पता होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, तो किस तरह से किया था तो ये भी पता होगा, स्टेफेलोकोकस पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और ये एक प्लेट वो बाहर छोड़ दिए जिसपे पेनिसिलियम ग्रो कर गया और स्टेफेलोकोकस मर गया, तो उससे पता करें कि पेनिसिलियम जो होता है एक पदार्थ छोड़ता है जो कि पेनिसिलिन होता है, वो प्रतिजैविक के जैसे यूज किया जाता है। इतने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और क्या पूछ सकते हैं, जैसे ओसिलेटोरिया के बारे में, ओसिलेटोरिया का नाम ओसिलेटोरिया क्यों पड़ा, ओसिलेटोरिया को क्यों ओसिलेटोरिया बोलते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो ओसिलेटोरिया जो होता है जनरली इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, तो ओसिलेटोरिया ओसिलेटिंग मोमेंट करता है, ठीक है, इस तरह से ओसिलेटिंग मोमेंट जानते हो, दोलनीय गति, इस तरह से हिलता है, तो ओसिलेटिंग मोमेंट के कारण ओसिलेटोरिया का नाम ओसिलेटोरिया पड़ा, ओसिलेटिंग मोमेंट करता है इसलिए। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़े हो, रूट नोड्यूल से पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट में कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है, राइजोबियम, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उसमें राइजोबियम करता है ना, राइजोबियम किस तरह से करता है, आपको स्लाइड भी राइजोबियम की दी जा सकती है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट हो और रूट दे दे, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एल्बिगो के बारे में पूछ लेंगे, एल्बिगो जो होता है, एल्बिगो कैंडिडा किस पे डिजीज कोज करता है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, जो चीज़ें आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हो टोटल वही पूछी जाएंगी। पक्सिनिया पूछ लेगा, पक्सिनिया की कितनी स्टेज होती है, मैंने बताया था कितना बताया है, अगर सारी क्लासे आप लोग कर रहे होगे फर्स्ट सेमेस्टर में जितने क्वेश्चन करवाए हैं, तो कई बार बताया पक्सिनिया की 5 स्टेज होती हैं, ठीक है, और उसके 2 होस्ट होते हैं, पहला होस्ट कौन सा होता है, व्हीट प्लांट गेहूं का पौधा, और सेकेंड होता है बारबेरिस प्लांट, ठीक है, जो कि पहाड़ी इलाकों में उगता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, रुक तो चुका ही है लगभग ब्लैक रस्ट। और जो आपको असाइनमेंट तैयार करना है, यह बोला गया है कुछ कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में कि एक दो क्वेश्चन लिख के लाइए असाइनमेंट बेस पे, तो उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। मान लो आप इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट आप बैक्टीरिया लिख ली, ठीक है, ये लिखी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, फंजाई का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, केसी मेहता पर लिख सकते हो, कितना अच्छा टॉपिक है। लेकिन जो असाइनमेंट या क्वेश्चन आप लिख के लेके जाओगे वो तैयार होना चाहिए, उससे क्वेश्चन आपसे 100% पूछने के चांस वहीं से रहते हैं जो आप बना के लेके गए हो, तो उसको रिवाइज करना। इस तरह के क्वेश्चन जनरल पूछे जाएंगे। केसी मेहता है, बीरबल साहनी है, जो बॉटनी में ज़्यादा योगदान दिए हैं, इंडियन साइंटिस्ट बॉटनिस्ट, तो इन सब सारी चीज़ों पर आपको ज़्यादातर स्टडी करना चाहिए इस टाइम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बॉटनी की। जूलॉजी में जैसे कि आप डीएनए का स्ट्रक्चर असाइनमेंट में बना लो, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कितना अच्छा है, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो, ठीक है। मियोसिस माइटोसिस में कितने डायग्राम हैं, समझ रहे हो, मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज अलग अलग डायग्राम होते हैं, बढ़िया सा डायग्राम बना लो और उसमें लिख दो, एक दो जो साइंटिस्ट उससे रिलेटेड है उसका फोटोग्राफ कॉपी करवा लो और पेज पे चिपका लो, ये सारी चीज़ें। जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव आप असाइनमेंट बनाओगे, फाइल बनाओगे, नंबर एग्जामिनर खुश हो जाता है देख के, उसको लगता है कि बच्चा क्रिएटिव है, ठीक है, इसका मन लगता है पढ़ाई में, बढ़िया से पढ़ रहा है, तो अपने आप नंबर दे देता है। और थोड़ा अच्छे से जाना, एकदम बकलोल बन के मत पहुँच जाना, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा सा सही से जाना ताकि लगे हाँ ठीक ठाक हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और जूलॉजी में भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, जैसे कि म्योसिस की खोज किसने किया, किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, आपसे कोई स्टेप पूछ लेगा, ठीक है, डीएनए के बारे में पूछ लेगा, जेड डीएनए, बी डीएनए, आरएनए, डीएनए, जैसे कि आपको उसमें असाइनमेंट बनाना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल कोई भी बना सकते हो, प्लांट सेल के बारे में लिख लो, प्लांट सेल बना लो बढ़िया सा अट्रैक्टिव, उसके बारे में कमेंट लिख लो, ये सारे असाइनमेंट बन सकते हैं। तो मतलब वही सिलेबस से ही आपको बनाना है कुछ भी,
और वहीं से वाइवा भी होता है। तो 25 नंबर का इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। कुल मिला के चीज़ें यही मिलेंगी आपको, फाइल दिखाना है, स्लाइड आपको मिलेगी और स्पोर्टिंग होगी, वाइवा होगा। अब किसमें कितने नंबर का है ये डिफर कर सकता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग नियम होता है, लेकिन सबके लिए वैलिड है ये। कम ज़्यादा नंबर का हो सकता है, लेकिन होगी ही चार चीज़ें हर जगह, ठीक है। तो डर आपका हो सकता है इस वीडियो के बाद में ख़त्म हो जाए और आप लोग अच्छे से पढ़ने लगो इन चीज़ों को। जितना ज़्यादा आपको देखो नॉलेज होगा, जो सेमेस्टर आप पढ़े हो पूरे सिलेबस का, तो आप कहीं भी चले जाओ, स्पोर्टिंग हो, कुछ भी हो, सब कुछ कर ले जाओगे। डरने से कुछ नहीं होने वाला। डरोगे तो फिर डरते ही रहोगे और सब डरते ही डरते डर जाएगा, समझ रहे हो। बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में जो आपके सिलेबस में है, तो बताया गया होगा, जो एक्सपेरिमेंट करवाए गए हों लैब में, कभी जाके किए होंगे, टेस्ट ट्यूब वगैरह सब जानते ही होंगे, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब क्या होता है, किस तरह से टाइट्रेशन करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किस तरह से करते हैं, तो आप लोग एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो पता होगा। अगर नहीं करवाया गया है तो आपसे पूछेंगे क्यों, खुद सोचो, अगर एक्सपेरिमेंट आपके यूनिवर्सिटी या महाविद्यालय में नहीं हुआ है तो आपसे वो पूछेंगे ही नहीं, ब्राइफली ऐसे ही पूछ लेंगे, क्योंकि आप कहने वाले हो ना, कहने का हकदार हो कि हमको जब करवाया नहीं गया तो हम कहाँ से कर दें, ठीक है। उसमें आपसे कलर पूछा जा सकता है, जैसे कि 2-3 केमिकल को एक में मिलाया फिर कलर ऑब्जर्व करना, टाइट्रेशन वगैरह हो गया, ठीक है। टाइट्रेशन है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो होगा पार्ट, उसमें फंक्शनल ग्रुप पूछ सकते हैं, किस तरह से एल्डिहाइड का परीक्षण कैसे किया जाता है, एल्डिहाइड को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, किसी एक अननोन कंपाउंड दे देंगे उसमें से एल्डिहाइड अगर प्रेजेंट है तो कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू बताओगे कि इसमें एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोक्सिल आयन, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। कैटाइनिक परीक्षण जो होते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है, या V2+ का परीक्षण है, Zn2+ है, Cu2+ है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, इस तरह से करके होते हैं, इसमें कैटायन और एनायन, उसका एक्सपेरिमेंट करवाया जा सकता है। और असाइनमेंट जो है वो आप जो सिलेबस तुम्हारा था फर्स्ट सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के सिलेबस से आप उसका असाइनमेंट तैयार कर सकते हो आराम से। उस असाइनमेंट कोई भी हो सकता है, उसमें कोई भी क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आता है, इनऑर्गेनिक फंडामेंटल आप केमिस्ट्री जो था, ऑर्गेनिक पार्ट है, इनऑर्गेनिक है, स्टीरियो केमिस्ट्री भी थी उसमें, स्टीरियो केमिस्ट्री में अच्छी अच्छी मैकेनिज्म है, डायग्राम है, जो आपको अच्छा लगे, जो ज़्यादा अच्छे से आपका तैयार हो उस पर बना लो, ठीक है। बाकी तुम पॉल्यूशन वगैरह पर बना सकते हो, केमिस्ट्री में असाइनमेंट बनाना है, एयर पॉल्यूशन में केमिस्ट्री का योगदान क्या है, वाटर पॉल्यूशन है, सारी चीज़ों पर बना सकते हो। कोरोना भी चल रहा है ना, अब तो ख़त्म हो चुका है लगभग, ठीक है, तो कोरोना पे भी आप बना सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री का बना रहे हो तो ये ध्यान रखना, कोरोना वायरस जो COVID-19 था, नोवल कोरोना वायरस, उसमें जो केमिस्ट्री का योगदान है, किस कौन कौन सी मेडिसिन यूज हुई, क्या फार्मूला, केमिस्ट्री से रिलेटेड बनाना है, ये नहीं कोरोना के सिम्पटम वगैरह बस बता के चले आए उसमें असाइनमेंट में। अगर केमिस्ट्री में कोरोना से रिलेटेड बना रहे तो कोरोना वायरस जो था उसमें केमिस्ट्री क्या यूज हुई उसको रोकने के लिए, उस चीज़ को आपको लिखना है। तो इस तरह से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में बना सकते हो, ठीक, आपके सिलेबस में जो था उससे आप बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, अगर और भी कोई डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई अच्छे से करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।